अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आयशा मुनीर एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो भी इंफॉर्मेटिव हैं या सब्जेक्ट के लिहाज से हैं जल्दी से मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके मैट्रिक और एक ग्रेजुएशन के दरमियान जो स्टडी का दुरानिया है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में आपका एफ एस सी भी आ जाता है, एफ ए भी आ जाता है, आई सी एस भी आ जाता है, आई कॉम भी आ जाता है, ये सारे इंटरमीडिएट में ही आ जाते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम एफ एस सी को डिस्कस करेंगे कि एफ एस सी में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और कैसे उनको चूज़ किया जा सकता है। तो देखें, एफ एस सी की दो कैटेगरीज हैं, एफ एस सी और इसकी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं और सेकेंड कैटेगरी में आप प्री मेडिकल कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्री इंजीनियरिंग में देखें, सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग में आपका जो मोस्ट मेजर सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, वो आगे मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो प्री इंजीनियरिंग लाजमी करें, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास फिज़िक्स आ जाती है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं, जो आपकी आगे इंजीनियरिंग अगर आपने करनी हो, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कैटेगरी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं इंजीनियरिंग में भी। अगर कोई एक टाइप की इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो फिर आपको ये फिज़िक्स का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आप नेक्स्ट अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को भी लाजमी पढ़ें। केमिस्ट्री में देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और भी बहुत पोर्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो आप इस तरह केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं प्री इंजीनियरिंग में। अब आ जाते हैं हम प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स में। प्री मेडिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी होता है, ठीक है। बायोलॉजी में भी डिफरेंट कैटेगरीज आप कह दें या पोर्शंस कह दें, जैसे जूलॉजी से रिलेटेड और बॉटनी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक्स और चैप्टर्स कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आप बोर नहीं होने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपकी एफ एस सी प्री मेडिकल। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री का भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी हो केमिस्ट्री में तो आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एज ए केमिस्ट्री एक अपना प्रोफेशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी में ही आगे फर्दर जाना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी एमबीबीएस की भी बहुत ज़्यादा आगे स्पेशलाइजेशन होती है या और कोर्सेज भी होते हैं मेडिकल के, तो उसके लिए आपके प्री मेडिकल होना लाजमी है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट्स थे एफ एस सी के, ये मेजर सब्जेक्ट्स थे। तो इंटरमीडिएट में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ाए जाते हैं, साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, उसमें लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे उर्दू आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी देख लेते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश, उर्दू तो कहीं भी नहीं जाएगी, ये लाजमी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, उर्दू पढ़नी पड़ेगी आपको। और ऑप्शन कहाँ आती है, इस्लामियात और पाक स्टडी, जी। तो इसकी तरतीब कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस्लामियात और पाक स्टडी में से एक आपको मतलब के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी और एक सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, यानी कि इन सब्जेक्ट्स का इतना बर्डन नहीं है, इन सब्जेक्ट्स का इतना बर्डन नहीं है। बाकी इंग्लिश और उर्दू जो है वो तो हर लेवल में आपको साथ साथ पढ़ना पड़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी आपको इंग्लिश उर्दू, उससे तो आप कभी भी अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, किसी हद तक आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये था सारा इंटरमीडिएट में एफ एस सी का जितना भी पोर्शन था, इसमें ये मेजर सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, मेडिकल के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर जो एफ एस सी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर मतलब साइंस के ही सब्जेक्ट्स में रहना चाहते हैं आफ्टर मैट्रिक, तो वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखें और इसके मुताबिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई फील्ड समझ नहीं आ रही लेकिन आप साइंस में ही रहना चाह रहे हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का पता चल जाता है, ठीक है। जब जैसे थ्रू आउट पूरा साल उनके पास पढ़ते हैं, टेस्ट होते हैं, आपके पर्सनैलिटी को देख के बंदा जज कर लेता है कि इस स्टूडेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको क्या ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, क्या कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन, आप इजीली इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करें और अच्छा सा एक कमेंट पास कर दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।